अहमदनगर मधील विश्व मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष नवेद शेख यांच्या वाढदिवसानिमित्त अहमदनगर शहरातील चांद सुलताना हायस्कूल येथील विद्यार्थिनींना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. अंजुमणे तरक्की उर्दू संस्थेच्या वतीने चांद सुलताना हायस्कूलच्या गरजू विद्यार्थिनींना शालेय साहित्याचे वाटप करत विश्व मानवाधिकार परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष नवेद शेख यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे चेअरमन अब्दुल मतीन अब्दुल रहीम हे होते. नगरसेवक समत खान, सामाजिक कार्यकर्ते मुजाहिद भा कुरेशी, सय्यद असगर, शेख नसीर अब्दुल्ला, फय्याज भाई जागीरदार, शेख खालिद शेख गुलाब दस्तगीर, सय्यद वहाब, शेख मुशाहिद लियाकत आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. तर संस्थेच्या वतीने शालेय साहित्याचे वाटप करून प्रत्येकाने आपल्या वाढदिवसानिमित्त शैक्षणिक क्षेत्रात शालेय साहित्य आणि गरजू विद्यार्थ्यांना मदत व सहकार्य करावे असे गौरवोद्गार संस्थेचे चेअरमन सय्यद मतीन यांनी याप्रसंगी काढले. कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आणि सूत्रसंचालन परवेज कादरी यांनी केलं तर प्राचार्य मोहम्मद समी यांनी आभार मानले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी उपप्राचार्य शफी तांबोळी आणि सर्व शिक्षक वर्ग यांनी अथक परिश्रम घेतले. जन्मदिन के मौके पर देखना पड़े कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, ना कि हम हमारे घर पर हमारे रिश्तेदारों में बर्थडे मनाते हैं तो आतिशबाजी करते हैं, केक लाकर उसकी बेहुरमती करते हैं, उसको नुकसान पहुंचा के तो खाने की चीजें उसे जाया करते हैं. ये तो जाया नहीं, बर्थडे नहीं हुआ. लेकिन आज हमारे सामने ये मिसाल है जिस तरह से हमने आज बर्थडे मनाए हैं कि आप लोगों को इस्तेमाल के लिए कुछ चीज दी गई है, बयादों की शक्ल में, पेन की शक्ल में. ये आगे चलकर इससे फायदा होने वाला है, बच्चे उस पर लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. ये क्या हुआ, ये बर्थडे जाया नहीं हुआ. ये बर्थडे से आपको भी उस चीज के जरिए काम की चीज दी गई. तो हम ये चाहते हैं कि हम भी आने वाले वक्तों में जिस तरह से अगर बर्थडे मनाते हैं तो फजूल खर्ची और बेजा इस्तेमाल ना करें, बल्कि किसी की मदद हो जाए, हेल्प हो जाए, इससे फायदा हो, ये लाइन से हमने काम करना चाहिए और बर्थडे मनाना चाहिए. उसी तरह से आप लोगों ने देखे हैं कि हमारे स्कूल का तामीरी काम जारी है, रंग रोगन का काम जारी है, जिसके जरिए बहुत ज़्यादा उसके अखराजात है, उसके लिए काफ़ी पैसे लग रहे हैं. तो हम बर्थडे की शक्ल में अगर कुछ पैसे दूसरी को देने के बजाय इस इदारे की तरफ और कहाँ पर तालीमी इदारे में जहाँ पर नए सिरे से काम हो रहा है तो उसमें मदद के तौर पर हम लोग पैसा दे सकते हैं, वो चीज़ हमारे लिए फायदेमंद होंगी और उसका हमें स्वभाव भी मिलेगा. ऐसे ही काम हम लोग करते रहे. ये तालीम के जरिए आपको मैसेज देना था. उसी तरह से यहाँ पर जो काम किया गया है हमारे मैनेजमेंट की जानी से, उसके तमाम अराकीन चेयरमैन साहब और उनकी जितने साथी है टीम, वो जो लगन व मेहनत के साथ इसमें तामीरी काम के अंदर काम कर रहे हैं, मैं हमारे स्टाफ की जानी से, मेरी जानी से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो आगे भी स्कूल का तामीरी काम अच्छी तरह से करते रहें और हमारे नौनिहालों को तरक्की के राह पर गामजन करते रहें. उसी तरह आपका भी फर्ज बनता है कि हम जो ये रंग रंगोटी हुई है इसको नुकसान ना पहुंचाए. इस जो नए आपके सामने बैठने के लिए सहूलतें दी गई है नए डेस्क की शक्ल में, उसको भी नुकसान ना पहुंचे, इसका भी हम ख्याल रखें ताकि आने वाले वक्तों में ये सही इसका इस्तेमाल होने वाला है. नहीं तो होता ही था कि इसकी इमारतें की हालत ऐसी हो जाती थी, खस्ता हाल, कि जिसके जरिए हमें बैठने में अगर दुश्वारी होती थी, पर आज हम इत्मीनान होकर इत्मीनान के साथ खुशहाली के साथ यहाँ पर बैठ रहे हैं और उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं. इसीलिए आपको ये हिदायत दी जाती है कि इस इमारत को अपने घर की तरह साफ सुथरा रखें और उसका सही इस्तेमाल करें. और उसी के साथ साथ आज का जो हमने ये प्रोग्राम मनाए हैं खुशी के तौर पर, मैं यहाँ पर आए हुए सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मौका हमें फराहम किया और यहाँ पर अपना कीमती वक्त देकर चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और मजलिस अराकीन के तमाम मेम्बरान जो यहाँ पर कीमती वक्त देकर आए हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. तमाम तलबा व तालिबात खामोशी के साथ इस महफिल को सजाए रखे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. इसके साथ मैं सदर की इजाज़त से प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ ऐसा इजहार करता हूँ. अल्लाह.
के जलसे के सदर अंजुमन तरक के उर्दू के चेयरमैन जनाब वकील साहब और हमारे टीम के लीडर यहाँ के महानगर पालिका के म्युनिसिपल काउंसिलर मजीद के समर्थन और दिगर तमाम मेरे साथियों बच्चों रासत पैदाइशी दिन बड़े अच्छा हमारे जो उनका जो ऊपर नाम है आरटी नवीन फेमस है, स्कूल में फेमस है, मोकराय में फेमस है, नगर शहर में फेमस है और बड़े अच्छे वो एक अन्ना ने गेंद थी उनके पास जो ऊपर से कला है उनके पास जो भी काम चल रहा था वो सक्सेस कर दिया। आरटू ऑफिस का रिकॉर्ड है कि नवीन ने जो गाड़ी लेके गया आरटू ने आज तक एक फेल नहीं रिफ्यूज नहीं किया नाम उनका नवीन है, काम भी नवीन है, बात भी नवीन है और आदत आदत भी उनके नवीन है। ये बहुत कम लोगों में ऐसी पाई जाती है और उनकी वजह से हमारे टीम में पूरे नई बॉडी में एक तरह का जोश बलबला और जो काम देख रहे हैं नई बॉडी पे करामत का असर है। ये झोपड़ी थी उसको मैं बना के, ये हस्ताहाल थी उसको शानदार एक ये बिल्डिंग बना के सामने सामने रख दिया। ये हमारी ये नई बॉडी के लिए बहुत फख्र की बात है, उनके साथ मेरी भी है और साथ साथ पीछे रास्ता के लिए मैं अल्लाह तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह नवी की उम्र कम अज कम आज से आप 100 साल बढ़ा दिए। आप इस दावा का हुक्म दे जाए मौजूद मेरे साथी मैंने तरक्की उर्दू स्कूल के कमेटी के लोग और सब टीचर्स लोग और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज इस मौके पर नवीद साहब का जो जन्मदिन है का फायदा उठाते हुए बच्चों का फायदा कैसा होगा ये ध्यान में रखते हुए ये एम रखते हुए अभी जन्मदिन मनाया जा रहा है। वैसे तो मेरे सब साथी काम करने वाले यंग छोकरे हैं, सब यंग लोग हैं और उनकी उनकी जो तड़प है स्कूल के बारे में जो तड़प है उसकी कदर करते हुए मैं तुम सबका शुक्रगुजार हूँ और उन्हीं की मेहनत से जो कुछ भी आज स्कूल में हो रहा है ये सब यंग लोगों की मेहनत से ही हो रहा है। उनकी सब उन्होंने पूरी जिंदगी पूरे अपने आप को इस काम में झोंक दिया है और मैं बयान नहीं कर सकता कि उन्होंने क्या क्या मुसीबतें इसमें उठाई है और उनकी मेहनत की चमक आप लोग भी स्कूल में नजर आ रही है। तो इस मौके पर मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको लंबी उम्र दे और ऐसे ही नेक कामों में आपकी मदद करे और सब स्कूल की तरफ से भी मैं आपको जन्मदिन मुबारक देता हूँ और मैं आप लोगों की रजा देता हूँ। प्रतिनिधि शफी सैयद, न्यूज़ टुडे 24, अहमदनगर।